श्री गिरजापति स्तुभर सीतापति हृदय जय जय भारत देश। आज सुमरण कर ले नारायण को और ले प्रथम गुरु को नाम। सेवा से पूर्ण होए जगत के काम। और फिर मैं सुमरू शिव शंकर को जाकि जटा स्वंग शिशु भाल खड़ो ना दिया हर द्वारे पे गल में है मुंडन की माल। अरे अदब तू माया हैर भोला की जाकी पार कोई अनाय पाए। जी की कछ तारीफ कही ना जाए। आर हो सहायक श्री जगदीश्वर देवी शारदा पर सहाय कंठ विराजो आई हमारे के भूले अक्षर देव बताई। आर सुमरण कर ले रामचंद्र को करो सहाय। और रत्न जड़ित सिंहासन सोहे जापे बैठ राम रघुराय। अरे मात सरस्वती हो सहाय पाचन वरण बिगड़ न जाए। तेरे बल पे माता भगवती नैया समुदम दी डरवाई।
योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अंशी या सती सावित्री से हमारी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मातृशक्ति, आज हम गुरु आला सम्राट शास्त्री सुरजन चैतन्य की असीम अनुकंपा पद चिन्हों पर चलने के बाद अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से वीर रस से भरपूर एक नवीन आख्यान लेकर के चल रहे हैं, यानी मछला फुलवा और सुआ पंखनी का हर किन हालातों में हुआ, तो आ जाइए दोस्तों। अरे कौरव पंडप द्वापुर युग में रखते हरदम पैर बढ़ाए कलयुग जब धरती पे आयो पंडा गले वाले अजाय पंडा सहित द्रौपदी शिव पर्वत पे पहुंचे जाए शोभा देखी हर पर्वत की शोभा कहता कहिया ना जाए जादू की मारी
के मामा सगुन्य जानो तमे उरही के परिहारी। राज करो हतना पुरैन ने महोबा लो बसाई। अरे यहाँ की बात यही पे छोड़ूंगा बया दे को सुनो हवाल के लगी कचेरी हरे महोबे में राजा चंद्र वंश के द्वार। महोबे में बना फरों की जिस समय सभा लगी है बड़ी विलक्षण सभा है। आहा। शिकार खेलने जा रहे हैं उसी समय
मलखंड हेबा एंदल बोले हैं कि हम भी साथ चलेंगे उसी समय। चारों चल गए हैं रे सिंहवाल को दबाल हाने कहीं नहीं सुनाए। जदली लौट के आइयो बेहड़ से करियो पिरा नया बारी न जाए। वाहन पेरे चढ़ बैठे लई पे हड़की के सूद लगाए। शिकार नहीं मिला, मलखान ने कहा कि उधर आर तब मलखान के जान हंस बोलो घर को चलो के लोहरबा भाई। छोड़े सारो को देवो शिकार को महुबे लौट चलो तत्काल। Lord.
याद रहे। इधर तो उदल मलखान ढेबा और अंदल वन में शिकार खेल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इधर महुबे के हालात एक नजर डालिए। आज खबर सुनी है उत्तमाइल ने उदल खेलन गए शिकार। सोई लिलिया घोड़ी पर चढ़ बैठो वो रही को ममा परिहारी। दोस्तों मंजिल करके जे महुबे पीछे पहुंच गया। बेटा सांची दिए बताए और कुशल कुशलिया रे उ रही मैं चिंता किसी बात की ना। गंगा घाट पे उनसे कही दई तेरी सुना दोस्तों याद रहे। इधर तो उदल मलखान के साथ शिकार खेल रहे हैं, इधर मामा माहिल महोबे में जाकर के आल्हा से बोले हैं कि आल्हा हम गंगा जी पे पहुंच गए, उदल ने हमको भेजा है कि जाओ मामा सब रानियों को गंगा स्नान के लिए आप लेवा लाओ। मामा चले जाओ महोबे कुंवर रानी और बक्सर मेला के लाई दिखाबो गंगा जाए करी सना। और
टोला सजबा दे फुलबा को संगे मछले देव बिठाई और रहो भरोसे मेरे बेटा गंगा जाई करी स्नान दोस्तों याद रहे मामा माहिल ने जब आल्हा से कहा है जैसे ही आल्हा ने ये शब्द सुने अरे जा सुन पाई है रे आल्हा ने धक्का लगो कलेजा जाए ओ हम नहीं भेजी बारे फुलबा को मैया पूछ ले तुम जा देखो हेर दिबला ने पहिया पकड़ ले तो बैठा रे और तबई मैया बोलन जागी और माहिल से कई सुनाए और कुशल कुशलिया रही बाले हम कूदे बो साफ बताए दोस्तों याद रहे माँ दिबला ने जब पूछा है तो मामा माहिल ने कहा है अक्सर मेला में हम पहुंच मिल गए बहा उदय सिंह लाल और हमको भेज दो उधल ने डोला लाओ पद्मिनी नार बैठी वो मन ही मन गई सिहाई और बड़ी खुशी मानी फूल बाने और मछला ढेंग पहुंची जाए और कई हकीकत रानी फूल बाने हमको प्रीतम रहे बुलाए संग तुम्हारे चले हैं संग वो पुले लगाए सोई दोनों चल गई है रति बला ढिंग और मैया से कई सुनाए और देवर मेला में बुलबा तुम मैया आज्ञा देव करवा मंडली ककेला अरे बात सुन ले सुआ पंखनी तब दिवला से कई सुनाए
और हम संग गंगा को जाबे मैया आज्ञा देव करवाए। दोस्तों याद रहे जिस समय मछला फुलवा सुआ पंखनी जो इंदल की पत्नी थी उन्होंने देवला से कहा है कि माँ यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम मामा माहिल के साथ गंगा स्नान कराएं। और जैसे ये देवला ने शब्द सुने आहा कहियो बहुवर कल गई है बोराई। अरे पामलगढ़ के सबैया राजा चूल्हे गंगा केरी मैदान चौको मिल जाए भूप थोड़ा थोड़ा गड़ दिल्ली को जाए। दोस्तों याद रहे जैसे ये शब्द देवला ने सुने देवला ने मना कर दिया लेकिन मछला बोली माँ मेरी बात सुनो। क्या बोली? बात सुनी सासु लगी जबी तब मछला बात कही शम शेर की मैया हो तो डरो तुम्हें देखत आज हसी मोए आई। चेतने हम हैं नैना गढ़ रागो मच्छर आई। एक पिथोरा की रे क्या विनती पामन चढ़े एक समय बेटी मेरा गो मक्षती जबरन के दिले में करवाए। मछला की बात सुन पाई उसी समय
मन ही न के मंडली कने मछले आज्ञा के दई करवाए। यारो सुन के मामा माहिल ये मन ही मन हसी रहे हैं, भैया बाती सुन के माहिल अब मन ही मन हसी रहे हैं। दोस्तों याद रहे जिस समय आल्हा ने रानियों को आज्ञा दी है कि जाओ, उसी समय मामा माहिल ने जब ये सुना, लिखा है चुगला कभु चूकत नहीं गाय कहो चरो चुगला कभु चूकत नहीं गाय कहो चरो घर घर फूट कराए दे करे एक से दो संग रूपना जाबे बक्सर मेला में देखियो जाए रूपना बारी के मनहर साओ बारी जो है महोबे सना लाए है रानी ने बांधी दो श्रृंगार बनाए अरे डोला मगाओ है रूपना ने तीनों डोला बैठी गई जाए डोला उठी गए गड़म महुबे से रूपना बारी संग लगाए अरे पृथ्वी राज को जाए चढ़ा में डोला गड़ दिल्ली को जाए शिवराज बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं के बैरी सदा मिल के हनिए विश्वास न भूल कबहु मन कीजो कितनु मित्र घनिष्ठ बने पर भेद हृदय को कबहु न दीजो
की हरे मती तुम ताको संगन कबहु पीजो। में पृथ्वीराज चौहान से कहा है माहिल ने कि महाराज किसी पुत्र को भेज करके तीनों रानियों के डोला को हरण करा और दिल्ली को भेज दो। जैसे शब्द सुने पृथ्वीराज चौहान बोले माहिल अरे नाई कर दई पृथ्वीराज ने हमको थूके सब संसार उदल संग डोलन के नाय है आखिर नातेदार हमार पृथ्वीराज चौहान ने जब मना किया माहिल चल दे रे तमुहन से दूसरो तम मजारो जाए और दिलवर सिंह के जाए तमु में के माहिल करी है बंदगी जाए
वो साफ साफ समझा डोला आए अगर महुबे से संग में कोई ना सरदा अरे मछला फुलवा सुवा पंखनी महुबे की हिम्मत मिनी और टोला हरण करो रानी न को मनसा पूरण होए हमार आर जा सुन पाई दिलबर सिंह ने बेटा सूरज दो तो चढ़ाए घेर ले डोलन को रोपना बारी देव भगा आर जा सुन पाई हर सूरज ले तुरत फौजी लई सजाए और एक लाख दल ले की राजा फौरन डोला ले घिरा सोई धर ललकारी दई रूपना को चुप को लौटी मोबे जाओ और डोला दे दे तीनों रानी नते नामु संग कहो तलवा दोस्तों याद रहे और जागत देखी है रूपना ने म्यान से खेच लई तलवार और कदम अंगारू मत धरियो नय हम ठास दिहिर तलवार सोई बातिल बातिल बत बड़ हो गई यारो बातिल बड़ गई रार और रार के ऊपर गारी अदे दई गाली अदे तुबजी तलवार और झुके सिपाही अगर महुबे के छपका बजन लगी तलवार रूपना बारी दे डकारी के बारी जो न महुबे त्यार और कट कट छोना राजपूतन के गिर रहे पौन किया उन्हार और तीन पहर तक चली सिरोही और बह चली खून की धार और काबा तीन गए रूपना ने भाजे मनियर के सरदार और भगदड़ मच गई रड़के तन में काया ले ले दोस्तों याद रहे जिस समय रुपना बारी और दिलबर सिंह के पुत्र सूरज के साथ युद्ध होने लगा अरे माइल पहुंच गए तमुवन में तब राजा से कई सुनाए तन कह लड़का रूपना बारी के मानी जो हर दही मचा अरे बंद लड़ाई करो तेगन की अब जादू खोले समार कैद कराए ले रूप
अपना को ब्रह्म फांस दे बोडलवा जबर दैया ललका आर धोक और लखे मत रहियो तुम कूके दिलीर करवाई तेगा के चिलैर रूपना ने सावधान हो जाओ सोई ब्रह्म फांस ना जानी अड्डारी करू पना के दिलाओ करवाए और सो पहुंचाई दो तमुन में लेकिन डोला चलो सीधा आर जा सुन पाई मछला फूल बारू पना के दिले करवाई और बिना उदल मलखे इंदल के अब को नाब लगावे पानी चुगला तेरो बुरो है जाए कहीं न मानी हम बालम कीता की लई सजाया बपाई पना डारी दए तमुन में तोर मंगर ना जा दोस्तों याद रहे जिस समय दिलबर सिंह के पुत्र सूरज ने रूपन बारी को कैद करके ब्रह्म फांस में मुंह में डाल दिया जैसे ये मछला फुलवानी हालात देखे कर कर याद आज महुबे की रानी कर मल मल पछताई और सलाह मिलाई है तीनों ने काऊ बिदले काम बना अंगुरिया है पत्थर से सोपा कर से ले निकारी या कोई दिख जाए महुबे कूदे आल्हा को खबर पठाए दोस्तों याद रहे तीनों रानियां सोचने लगी अब ऐसे काम नहीं चलेगा उसी समय तीनों ने महाराज दिलबर सिंह से कहा कि राजन हम आपके कैदी जरूर हो गए हैं लेकिन महोबे से आए थे इच्छा थी कि गंगा में स्नान करेंगे अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो गंगा स्नान करा दो बड़ी अधीन तीनों बोली राजा सुन ले अर्ज हमारे नहाबो हम तीनों को ना भूले ऐसा न तुम्हारे
रख दल के पहरा में डोला गए थे घाट पे आए। सूरज बेटा दिल पर शिव को भारी पहरा रो लगाए और फौजियां रोक दई पीछे को डोला घाट दे पहुंचाए। कर स्नान लो गंगा में फिर मैया से कही सुना। जिस समय मछला फुलवा सुआ पंथनी तीनों ने स्नान किया और गंगा से बोली ही मां शक्ति हमारे जो रहो बे मैया देवो परन निभाए ओ खबर कराई देव महुबे में आला मंडली का पूजाई। सोई गंगा मैया प्रकट हुई गई बिटिया मन में मत घबराए तनी के गंगा मैया और महुबे को चली सीधा। अरे बूढ़ी टुकरिया बन गंगा जी और महलन को गई सिधार। आला सोई रहे पलंगा पे मैया सोच सोच रह जाए। जगाओ है रे आल्हा को महलन भीतर गई सिधार। अरे बेटा सोबत है उधल को नामी अमरजीत सरदार तो थपेड़ा है रे माथे पे बेटा उठो भरा रखा। जिनके बेटा सियाने है गए मैया घिर गंगा पे जाए। दोस्तों याद रहे गंगा मैया ने जिस समय उधर के पुत्र को स्वपन दिया है पुत्र तुम्हारी मां गंगा स्नान करने गई थी मनियरगढ़ के राजा दिलबर सिंह ने कैद कर ली है और जैसे ये स्वप्न देखा आहा। Oh, yeah.
भाग